हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सन एंड सोलर सिस्टम के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सन, जैसे कि आपको पता है, सन क्या है? हमारे पास स्टार जो किस में एग्जिस्ट करता है, जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जिसको आकाश गंगा भी बोला जाता है। ये कौन सी शेप में है? स्पाइरल शेप में है, राइट? तो ये भी आप देख सकते हो। तो स्टार जो किससे बने होते हैं, ये मेनली हॉट गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। अगर मैं बात करूं तो नेबुला, जिसकी वजह से, नेबुला जिसको बोलते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार में हेल्प करता है। तो सेम अब सन जो बना है वो हॉट गैसेस का मिक्सचर है, जहाँ पे आपको मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम मिलेंगी। हाइड्रोजन का कंटेंट 70% मिलेगा, 26.5% मिलेगा आपको हीलियम, एंड अदर गैसेज आपको मिलेंगी 3.5% की रेशो में। अब इसके साइज की बात करें तो 109 टाइम्स बिगर है देन द अर्थ साइज, और वेट की बात करें तो 2 × 1027 टन जो है इसका वेट रहता है, और जो अकाउंट करता है 99.83% ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम, राइट? तो ये तो आपके पास बिल्कुल स्टैटिक डाटा है जिसको आप रिमाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे बात करें तो इसके डिस्टेंस की, तो ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ। और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो सनलाइट जो है 8 मिनट 16.6 सेकंड लेती है आपके पास अर्थ सरफेस पे पहुंचने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे इमेंस ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ये, मतलब कि क्या करता है, अपनी तरफ जो है खींचता है किनको, प्लैनेट्स को। तो उसकी वजह से अब क्या करते हैं, प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, राइट? तो अब हम आते हैं मेनली इसके स्ट्रक्चर पे। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, सबसे पहले आती है आपके पास कोर। अब कोर यहाँ पे बात करूं तो ये जो कंसिस्ट करती है हाइड्रोजन एटम्स। अब ये कोर से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसमें ये जो हाइड्रोजन एटम जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीलियम एटम में। अब जब हीलियम एटम में ये कन्वर्ट हो गए तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है, राइट? तो ये प्रोसेस कहाँ पे अक्कर होगी, याद रखना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस अक्कर होती है ये आपके पास कोर में होती है, ठीक है? तो अब ये क्या होता है, अब जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब जैसे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो अब ये सरफेस जो आउटर सरफेस है सन का और एटमोसफियर जो है उससे के बाहर भी चली जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे मेनली तीन जोन होते हैं, कोर होता है, रेडिएटिव जोन होता है एंड कन्वेक्शन जोन होता है। अब यहाँ पे जो कोर के नेक्स्ट जो जोन पड़ेगा वो कन्वेक्शन जोन पड़ेगा, जहाँ पे देखो अगर मैं कोर में टेम्परेचर की बात करूँ तो कोर में अराउंड आपको 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेगा, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। वहीं पे आप देखोगे तो इसमें कन्वेक्टिव जोन में जो है टेम्परेचर रिड्यूस होके 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, राइट? इसके बाद आपके पास जो लेयर्स मिलती हैं आपके पास वो मिलती है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर कौन सा रीजन होता है, ये ग्लोइंग सरफेस होता है, और वी कैन से जो यहाँ पे विजिबल सरफेस जो होता है सन का, जो हमें विजिबल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। यहाँ पे जो टेम्परेचर जो आपको मिलेगा वो 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको टेम्परेचर देखने को यहाँ पे मिलेगा, राइट? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कोरोना, अब नेक्स्ट आपके पास आएगी कोरोना। कोरोना ये जो लेयर है ये स्पेशली आपको मिलेगी, दिखेगी कब, एक्लिप्स के टाइम पे, जब आपके पास लूनर और सोलर एक्लिप्स लगता है, राइट? उस टाइम पे ये विजिबल होती है, राइट? तो यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रल लाइन जो है मिट होती हैं, जो किसकी वजह से होती है, आयरन कैल्शियम एंड निकल आयंस की वजह से होती है, ठीक है? द आयनाइजेशन जो होती है इस एलिमेंट्स की, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो कोरोना का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोरोना, और यहाँ पे दो लेयर्स होती है, एक आपके पास होती है कोरोना एंड सेकेंड वन इज योर क्रोमोस्फियर। यहाँ पे ये चीज नोटिस करना, आपके पास दो लेयर्स है, कोरोना एंड सेकंड वन इज योर क्रोमोस्फियर, राइट? ये दो लेयर्स है सन, ये दोनों लेयर जो है इसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। ये सन के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। जो अपर
एटमॉस्फियर है और आउटर पार्ट जो है एटमॉस्फियर का उसको बोला जाता है कोरोना। अब यहां से क्या होता है, जो सोलर फ्लेयर और विंड जो है ये आउटर एटमॉस्फियर से क्या करेंगी, रिलीज होंगी, ठीक है, जिसको अगर हम बोलते हैं कोरोना से रिलीज होती है। चार्ज पार्टिकल जो अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन से जो क्या होंगी, वो रिलीज होती है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे चेंज्ड है बट यहाँ पे आएगा चार्ज। अब जब क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल जो रिलीज हुए आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन और बीकन से अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, अब ये किसके कॉन्टेक्ट में आएंगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आएंगी। अब अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, अब जब ये उसके कांटेक्ट में आती है, मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो क्या करती है, इन लेयर्स को और इन विंड्स को जो है स्टॉप करती है कि वो अर्थ सरफेस में एंटर ना कर जाए। बट सम टाइम क्या होता है कि जो कुछ विंड्स होती हैं वो क्या कर जाएंगी, अर्थ के एटमोसफियर में एंटर कर देंगी, अपर एटमोसफियर में। तो इसकी वजह से फिर एज अ रिजल्ट हमें क्या होता है, यहाँ पे लाइट जो है वो दिखेगी इन पोल्स पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको नॉर्थ और साउथ पोल्स पे एक लाइट अपियर होती है, जिसको बोला जाता है अरोरास। अब ये जो अरोरास होते हैं ये दो टाइप्स के होंगे, दैट मीन्स कि जब ये अपियर होंगे ऑन द नॉर्थ पोल और जब ये अपियर होंगे ऑन द साउथ पोल। अब जब ये अरोरास जो है आपको अपियर होंगे ऑन द नॉर्थ पोल तो इसको बोला जाता है बोरियोलिस, और जब ये सदर्न पोल में होते हैं तो इनको बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये जो बोरियलिस होते हैं ये आप लाइट जो है इजीली देख पाओगे कहाँ से, जो आपके पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है वो डायरेक्टली अपियर होता है, ठीक है, जो ये आपके पास लाइट्स होती हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि ये सन का स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं तो थोड़े मेन मेन पॉइंट देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सन स्पॉट्स। अब स्पॉट आप समझते हो, दैट मीन्स कि डार्क रीजन जो होगा, दैट मीन्स डार्क एरिया जो अपियर होते हैं कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो सरफेस जो ग्लो विजिबल सरफेस है अर्थ का, सन का सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, जो हमने अभी देखा, ठीक है। तो यहाँ पे सन स्पॉट्स अपियर होंगे आपको फोटोस्फीयर्स में। अब ये डिपेंड करता है कि सन स्पॉट्स का नंबर मिनिमम है और मैक्सिमम है, राइट। अगर मिनिमम हुआ तो उसको बोला जाता है सोलर मिनिमम, और अगर मैक्सिमम हुआ तो उसको बोला जाएगा सोलर मैक्सिमम। अब ये जो अपीयर्स होते हैं ये एक साइकिल होता है जो 11 साल में कंप्लीट करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, सन स्पॉट साइकिल। तो अब मेरे को यहीं से एक बात आई, सन स्पॉट साइकिल से याद आई कि जैसे हमने बोला कि ये जो सन है ये गैलेक्सी का पार्ट है, कौन सी गैलेक्सी के अंदर आता है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है। अब मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आएगा तो अब ये सन जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी को क्या करता है, इसका पूरा एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। अब जब ये मिल्की वे गैलेक्सी और गैलेक्टिक सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, रेवोल्यूट कर लेगा पूरा गैलेक्टिक सर्कल जो है उसको कंप्लीट कर लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉस्मिक ईयर। और एक कॉस्मिक ईयर कितने साल का होता है, ये होता है आपके पास 224 मिलियन ईयर्स का, राइट। दैट मीन्स कि सन को पूरे 224 मिलियन ईयर्स लगते हैं कि एक सर्कल और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द गैलेक्टिक सर्कल, राइट। तो ये बात भी याद रखना, डन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आती है सोलर स्टॉर्म, तो यहाँ पे याद रखना, ये जो सोलर स्टॉर्म जो होता है ये डिस्टरबेंसेस क्रिएट होती है सन में, जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैन एमनेट आउटवर्ड, मतलब यहाँ पे जो है बबल्स की फॉर्म में जो है, यहाँ पे ये जो सोलर विंड जो होती है बबल की फॉर्म्स में जो है, बबल्स जो है फॉर्म करती है अक्रॉस द हेलियोस्फीयर, जिसकी वजह से सारा का सारा सोलर सिस्टम पे क्या पड़ता है, इम्पेक्ट पड़ता है, राइट। इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये सोलर सिस्टम में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है, इंक्लूडिंग अर्थ एंड इसकी मैग्नेटोस्फीयर। अब मैग्नेटोस्फीयर दैट मीन जहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हमने बात करी कि ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो ये बात भी याद रखना।
अब यहाँ पे बात करते हैं, राइट, अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आपको यहाँ पे मिलेगी, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये याद रखना, अगर सोलर स्टॉर्म की बात करिए तो वो जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट होंगी ऑन द सन सरफेस पे। अब ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो होती है, दीज आर टेम्परेरी डिस्टर्बेंसेस होती है, कहाँ पे, अर्थ मैग्नेटोस्फियर में, जिस किसकी वजह से होती है, सोलर विंड की वजह से होती है, राइट। तो ये याद रखना, ये सन स्पॉट तो हमने कर लिया, अब हम जाते हैं डायरेक्ट किस पे, प्लैनेट्स पे। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो देखो हमारे पास, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स मिलते हैं, एक आपके पास मिलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स, जिनको टेरेस्ट्रियल को इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है और जोवियन को आउटर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। अब इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रॉक की मटेरियल्स मिलेंगे। अब उनको जोवियन प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे गैसेस मटेरियल्स होंगे। अब गैसेस क्या करती है, यहाँ पे गैसेस ज्यादा होंगी तो अल्टीमेटली एक्सपेंड करती है, तो ये जो जोवियन प्लैनेट्स होंगे, दीज आर लार्जर इन साइज, ये लार्जर होंगे और बिगर होंगे इन साइज में एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, राइट। तो यहाँ पे इनमें एक तो डिफरेंस ये आ गया। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कौन कौन से आएंगे आपके पास, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे याद कर लो, मतलब जैसे कि इनकी पोजीशन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स तक आ गया आपके पास टेरेस्ट्रियल, फिर आपके पास आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो आपके पास आउटर प्लैनेट्स का पार्ट आ गया। लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करूं तो जुपिटर रहेगा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात करूं तो मरकरी रहेगा। जुपिटर जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जुपिटर को लॉर्ड ऑफ हेवंस भी बोला जाता है, राइट, ये भी बात करेंगे हम, तो ये यार। अब एक और प्लैनेट होता था पहले प्लूटो, जो अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में है। तो अब हमें यहाँ से और क्या याद रखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स कितने हैं, राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं, हमारे पास चार ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, यहां पे दिया होगा, हाँ ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, उन्होंने फाइव ड्वार्फ प्लैनेट्स जो है, पांच ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात करिए, सॉरी पांच हैं, सीरस, प्लूटो, होमिया, मेकमेक एंड सिडान, ये पांच आपके पास क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है। तो हम मेनली बात करते हैं प्लूटो की। अब प्लूटो की बात करते हैं, अब प्लूटो जो है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम एंड नाइन्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन। अभी इसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, मतलब अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज इसका जो अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये 3.6 बिलियन माइल्स अवे है फ्रॉम द सन, राइट। और ये जो प्लूटो जो एग्जिस्ट करता है, कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है, क्यूपर बेल्ट में एग्जिस्ट करता है। अब बोला गया कि एक डे जो होता है, वन डे ऑन प्लूटो जो होता है, इज अबाउट 61 एंड हाफ डेज ऑन अर्थ, राइट। और इसके पांच मून्स है और लार्जेस्ट मून जो है उसका चैरन नाम है उसका, ठीक है। इसके फोर अदर मून्स है, कैरबिरोस, स्टाइक्स, निक्स एंड हाइड्रा, तो ये आप देख सकते हो। बट यहाँ पे बात करते हैं क्यूपर बेल्ट की। अब ये जो क्यूपर बेल्ट है, राइट, तो यहाँ पे मैं बात करूं, ये जो सोलर सिस्टम का रीजन है, जो एट मेजर प्लैनेट, दैट मींस आफ्टर यूरेनस, नेपच्यून के बाद जो है ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा ऑफ द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एट 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन जो है ये एक्सटेंड करता है। अब देखो एक आपके पास आती है एस्टेरॉयड बेल्ट, जहां पे आपको क्या मिलेंगे, एस्टेरॉयड्स मिलेंगे, राइट। तो ये भी काइंड ऑफ एस्टेरॉयड्स बेल्ट की वजह से, बट एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो छोटी है एज कम्पेयर टू, अगर बात करें तो यहाँ पे जो है, अगर इसकी विड्थ की बात की जाए, राइट, तो ये जो क्यूपर बेल्ट है वो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उसका साइज जो है बड़ा है एज कम्पेयर टू आपके पास क्यूपर बेल्ट। अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि ये जो आपके पास एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये कौन से प्लैनेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, राइट, तो ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स के बारे में और यहाँ से क्वेश्चन भी बताऊंगा।
मरकरी की बात करें तो जो हमने पहले देख लिया स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, राइट। इसकी अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो यहाँ पे लिखा गया है 59 अर्थ डेज, दैट मींस ये बात कर रहा है इसकी रोटेशन की। तो इसकी जो एक्चुअल में रोटेशन है वो है 58.65 डेज, इसकी जो रोटेशन है वो है 58.65 डेज। और वहीं पे इसकी रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं रेवोल्यूशन की, तो इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो है 88 डेज। तो अगर यहाँ पे सीधी सी बात बोल दूं तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, तो मरकरी का क्या है फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है सोलर सिस्टम में, विच इज 88 डेज। अब यहाँ पे देखो आपको नॉर्मली बुक्स में क्या मिलेगा कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। बट मैं यहाँ पे बात करूं इसका जो एटमॉस्फेयर है बट वेरी थिन एटमॉस्फेयर है, राइट। जो मेनली वहां पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, सोडियम मिलेगी, मतलब हाइड्रोजन और सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया एंड पोटेशियम, बट बहुत ही थिन है। तो अल्टीमेटली बुक्स में क्या बोला जाता है मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, बट नहीं ऐसा नहीं है, मरकरी के पास भी एटमॉस्फेयर है बट बहुत ही थिन लेयर, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक सिर्फ दो मिशन जो है यहाँ पे विजिट किए हैं, मैरिनर 10 इन 1974-75 में एंड मैसेंजर जो अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे भेजा गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, बट हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आएगा वीनस। वीनस की अगर बात करें तो इसका साइज जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ की तरह है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है अर्थ ट्विन भी बोला जाता है, ठीक है। सिंपली अगर मैं बात करूं इट इज 500 किलोमीटर लेस है इन डायमीटर, राइट। अब इसको वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। अब इस बार CAPF के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने CAPF 2022 के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे इसका जो एटमॉस्फियर है, ठीक है, वीनस में एटमॉस्फियर है, बट वहां पे पूछा कि उसके जो क्लाउड जो फॉर्म होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीनस का अगर मैं बात करूँ थिक एंड टॉक्सिक एटमॉस्फियर है, जो मेनली आपको कौन सी गैसेज यहाँ पे मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मिलेंगी, विद क्लाउड्स जो यहाँ पे आपको मिलेंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड के मिलेंगे। और यही क्वेश्चन जो है किसने पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था CAPF के एग्जाम के लिए। इसीलिए मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे नोट्स भी पढ़ लेते हो तो मेरे नोट्स से बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको विद गारंटी बोल सकता हूँ। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा, आप चाहे सैंपल में देख सकते हो, राइट, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, ये CAPF ने इस बार क्वेश्चन पूछा था। अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे वीनस जो है, वीनस जो है यहाँ पे इसको, ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, वीनस क्या है आपके पास ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर, ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर सन एंड मून के बाद। सन एंड मून के बाद क्यों, क्योंकि इसका क्या है 75% एल्बिडो ये कंटेन करता है। अब एल्बिडो क्या होता है मेरे भाई, एल्बिडो दैट मींस रिफ्लेक्टिंग पावर, कि जो ये सन रेज को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है तो 75% जो है ये सन रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो वो है इसका एल्बिडो, दैट्स व्हाई इट इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द सन एंड मून। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब यहां से देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, तो वो भी कौन सा है आपके पास वीनस। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर मैं बात करूं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन आपको मिलती है। अब वीनस में अगर मैं बात करूं मेनली आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस भी मिलेंगी। अब ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट होता है यहाँ पे, तो इसके ये जो CO2 है यहाँ पे CO2 का कंटेंट जो है वो 96% आपको CO2 मिलेगी, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से यहाँ पे जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इस वीनस को और क्या कंसीडर किया जाता है,
हॉटेस्ट प्लैनेट इन दिस सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी किसको बोला जाता है? वो भी वीनस को बोला जाता है, राइट। अब इसके बाद हमें और क्या याद रखना है, ये जो वीनस जो है वो स्पिन करता है बैकवर्ड, दैट मींस अगर मैं बात करूं, ये जो है अदर प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बट वीनस जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दैट मींस ये जो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, रेस्ट ऑफ दी जो आपके पास प्लैनेट्स है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, राइट। बट ये जो वीनस जो है वो आपके पास बैकवर्ड क्लॉकवाइज रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे बोला गया अदर प्लेनेट, दिस मीन्स द सन जो राइज करेगा वो कहाँ पे करेगा? इन दी वेस्ट, और जो सन जो सेट्स होगा वो कहाँ पे होगा? इन दी ईस्ट ऑन वीनस। अगर मैं अर्थ में बात करूँ तो अर्थ जो में सन जो है राइज करता है ईस्ट से और सेट्स होता है वेस्ट से, राइट। तो ये ऑपोजिट हो जाता है, राइट। तो ये याद रखना। इसके बाद अब हम आते हैं अर्थ। अब अर्थ की बात करें, इस वीडियो में हम सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। अब अर्थ की बात करते हैं। अर्थ जो है इज द थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ये तो आप देख सकते हो, ठीक है, दैट्स वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। अब अर्थ की शेप क्या है? ज्वाइड शेप है। अब इसको ज्वाइड जियोइड क्यों बोला जाता है? जियोइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पोल से जो है वो फ्लैट है, और वहीं से अगर मैं बात करूं साइड से, ये क्या है मतलब यहाँ से बल्ज है बाहर को निकली हुई है, तो जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो जियोइड है। अगर मैं बात करूं, ये इसके नॉर्थ और साउथ पोल आ गए और ये बल्ज आ गया फ्रॉम इसके कॉर्नर से, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोला जाता है जियोइड। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखो ये पहले क्या था, अगर मैं बात करूं पहले राउंड थी। अब यहाँ पे आपको पता है अर्थ में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखो अब अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। एक तो रेवोल्यूट करती है राउंड सन और रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो देखो एक टेंडेंसी होती है, चाहे आप भी घूम के देखना, कभी घूमना फिर उसको देखना कि जब आप स्टॉप हो गए तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे जो अपने सेंटर की तरफ मूव करना, दैट मीन्स नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दोगे। तो सेम ऐसे ही होता है, ये हर एक रोटेटिंग बॉडी की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही वो रोटेट करती है तो यहाँ पे क्या होता है, वो अपने सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो अल्टीमेटली अब ये जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो इसके सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही है, जिसकी वजह से इसका जो ये जो साइड वाले पार्ट है, राइट, ये क्या होते जा रहे हैं, बल्ज होते जा रहे हैं, ये बाहर की तरफ जो है एक्सटेंड होते जा रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से इसको जियोइड बोला जाता है। अब इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है बिकॉज टू थर्ड सरफेस जो है वो इसका कवर्ड है बाय वाटर। तो अब आप बताओगे कि कितना परसेंट वाटर जो है वो अर्थ सरफेस में, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पोटेबल वाटर है, दैट मीन्स ड्रिंकेबल वाटर कौन कितना परसेंट है, ठीक है। अब इसके एटमॉस्फेयर में बात करें तो 78% नाइट्रोजन मिलेगी वहीं पे, 21% ऑक्सीजन आपको मिलेगा, 1% अदर इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, ठीक है, दैट मीन्स अदर गैसेस मिलेंगी। तो ये इसका जो है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अर्थ हैज वन मून, ठीक है, इसका एक वन मून है जिसको क्या बोला जाता है, मतलब ए वन मून मतलब इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको बोला जाता है मून इटसेल्फ। अब मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। अब मून के पीछे जैसे हम बिग बैंग थ्योरी जो है वो डील करते हैं, मतलब किसके साथ, यूनिवर्स के साथ, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सेम मून के साथ जो है यहाँ पे एक थ्योरी एसोसिएटेड है, वो है बिग स्प्लैट थ्योरी। तो ये भी आप देखोगे तो कौन सी थ्योरी एसोसिएटेड है, वो है बिग स्प्लैट थ्योरी, राइट। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम मार्स पे। अब मार्स जो है आपका फोर्थ प्लेनेट है जिसको आप रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। अब इसके रोटेशन की बात करूं तो इसका जो रोटेशन पीरियड जो रहेगा वो 24.6 आवर्स इसका रोटेशन पीरियड रहेगा, वहीं पे रेवोल्यूशन पीरियड जो इसका रहेगा वो 687 डेज रहेगा। ये इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 687 डेज और ये इसका
रोटेशन पीरियड है। अब इसके एटमॉस्फेयर की बात करूं तो इसके एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन मिलेगी, राइट। इसके यहाँ पे आपको जो है आपको यहाँ पे आर्गन मिलेगी, आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट की बात करूँ तो 96% नाइट्रोजन वहीं पे आपको मिलेगी, ये लोअर अमाउंट में 1.9%, ठीक है, एंड 1.9% बोथ, ठीक है, ये आपको नाइट्रोजन एंड आर्गन आपको कंटेंट मिलता है। अब इसकी दो सैटेलाइट्स है, फोबोस एंड डेमोस, ठीक है। अब फोबोस एंड डेमोस जो है इसकी दो सैटेलाइट्स है। इवन अगर मैं बात करूँ तो मार्स में क्या बोला जाता है, बिकॉज मतलब इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है, किसकी वजह से, आयरन मिनरल्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो सॉइल में आयरन कंटेंट होता है, सॉइल जब ऑक्सीडाइज होती है और रस्ट होती है, कॉस्टिंग द सॉइल एंड डस्टी एटमोसफियर जो होता है वो क्या क्या रेड अपियर होता है, राइट। तो यहाँ पे और इसकी बात, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मार्स में बोला जा रहा है कि आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है। अब ये पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, एक हैबिटेबल जोन होता है। अब ये जो हैबिटेबल जोन जो है ये एग्जिस्ट करता है मार्स और अर्थ के बीच में, मतलब मार्स और अर्थ जो है इस हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है लिविंग कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स कि हैबिटेबल जोन, ना तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी, नॉर टू हॉट, ना ही ज्यादा क्या होगा, कोल्ड होगा, राइट। इसी की वजह से तो क्या कर रहे हैं, हम मार्स पे मिशंस भेज रहे हैं कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। व्हाई नॉट वी गो फॉर वीनस, और वी कैन से कि हम जुपिटर पे क्यों नहीं गए, बिकॉज वहां पे हैबिटेबल जोन नहीं है। ये जो हैबिटेबल जोन जो एग्जिस्ट करता है वो मार्स, दैट मीन्स कि मार्स और अर्थ जो है हैबिटेबल जोन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, मार्स में इवन इवन एक माउंटेन मिलता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ये मार्स में एक माउंटेन मिलेगा। इवन अगर मैं बात करूं तो ये जो है इसके एल्टीट्यूड की बात करूं तो ये 3 टाइम्स हायर है देन किसके एल्टीट्यूड से, हमारे हिमालयाज जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, हिमालयाज उनसे 3 टाइम्स हायर है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका काम है कि मार्स पे कौन कौन से मिशन गए हैं, ठीक है। MOM क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान, इसरो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कौन कौन सा फर्स्ट मिशन कौन सा था, राइट। तो ये आपका काम। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो एक बात करी गई, ये क्रेटर कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जेजेरो क्रेटर मिलता है, जो 45 किलोमीटर वाइड क्रेटर है, लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ मार्शियन इक्वेटर। देखो क्रेटर होता क्या है, आपको पता है कि अर्थ के नीचे क्या होता है, एक लेयर होती है एस्थिनोस्फीयर, जिसको अगर मैं बात करूं एस्थिनोस्फीयर में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे बाथ टब होता है, काइंड ऑफ यहाँ पे आपको मैग्मा मिलेगा। अब सब टाइप क्या होता है, ये मैग्मा जो है इवन एकदम से ही क्या हो जाएगा, इरप्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये जो एस्थिनोस्फीयर मैग्मा चैम्बर था ये खाली हो जाएगा, एकदम से ब्लास्ट होगा, तो ये सारा का सारा मैग्मा चैम्बर जो है वो खाली हो जाएगा। तो उस टाइम पे एक काइंड ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जो ऐसे की फॉर्म में, बॉल की फॉर्म में जो है फॉर्म हो जाता है, तो उसको बोल दिया जाता है क्रेटर, राइट। अब जब कभी अगर यहाँ पे आप देखोगे इस क्रेटर में, अगर मान लो बारिश होगी या किसी भी रीजन से इस क्रेटर में जब आपके पास वाटर जो है वो एंटर कर देगा, जब इस रीजन में कभी भी क्रेटर में जो है वाटर एंटर कर गया तो उसको बोल दिया जाता है क्रेटर लेक, राइट। ये आप देख सकते हो। तो यहीं पे बोला गया कि अब यहाँ पे जजैरो क्रेटर जो है ये 45 किलोमीटर विड्थ है इसकी, जो लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ द मार्शियन इक्वेटर पे, जो एज ऑफ आइसिडिस प्लेनिटिया जो है, अ फ्लैट प्लेन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मार्स पे एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसके बारे में आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर इसके बाद हम अब बात करेंगे इसके बाद, ठीक
हम बात करेंगे आपके पास गैसियस प्लैनेट्स की, राइट, और बीगन से इनर प्लैनेट्स की, राइट। तो ये आप देख सकते हो। तो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।